अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ वो है कढ़ी पकोड़ा, जो कि इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है। कढ़ी बनाने के लिए हमने एक प्याली बेसन ले लिया है और एक प्याली ही दही। 1 टेबल स्पून है ये लाल पिसी हुई मिर्च, 1/2 टेबल स्पून है ये हल्दी, 1 मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह चॉप कर लिया है, 1 टमाटर को भी चॉप कर लिया है, 8 से 10 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा उसको भी हमने इस तरह चॉप कर लिया, इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, और 5 से 6 अदद ये ना लहसुन की साबुत कलियाँ, ये साबुत ही इसमें जाएगा, 1/2 टीस्पून ये यानी कि मेथी दाना है, तड़के के लिए ये ज़ीरा साबुत, और ये गोल यानी सूखी हुई लाल मिर्च, 2 अदद तेज़पात हैं, 1/2 टेबल स्पून ये खुशक धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून नमक, और ये 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्च। पकौड़े बनाने के लिए पालक को इस तरह कटिंग करके वॉश कर लिया है, 1 अदद आलू यानी कि उसको भी हमने यानी चॉप करके पानी में डिप करके रख दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो सके, 1 अदद प्याज है इसे भी हमने चॉप कर लिया है, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें चॉप की हुई, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 चुटकी है ये बेकिंग सोडा, 1/2 टेबल स्पून है ये साबुत धनिया, 1/2 टेबल स्पून नमक, 2 चुटकी हल्दी, 1 टेबल स्पून ये क्रश की हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून मेथी, 1 यानी कि जूसर वाले जग में ना बेसन शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हल्दी और ये लाल मिर्च ये भी इसी में शामिल कर देते हैं। दो ग्लास पानी शामिल करके ना इसे ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए बेसन को ना नमक और हल्दी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। अब इसी तरह ये जो दही है हमने यानी कि 1 प्याली लिया था इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए दही को भी ना हमने 2 गिलास पानी डाल के इस तरह ग्राइंड कर लिया। अब ये टोटल ना 6 गिलास हो गए, यानी इसमें ना इसमें नमक शामिल नहीं होगा। अभी कढ़ाई में ना हमने हसबे ज़रूरत ऑयल शामिल कर लिया है, और ये जो मेथी दाना था ना ये इसमें डाल देखिए 1 मिनट के लिए ना उसको मेथी दाने को सोटे कर दिए। अब ये सारा लिक्विड इसमें शामिल कर देते हैं। इसको ना जब तक बॉइल नहीं ना आ जाता तब तक मुसलसल हिलाते रहना है। अगर ज़रूरत पेश आए तो थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल करेंगे। जब इसको जोश आना स्टार्ट हो जाएगा ना फिर यानी कि टमाटर और प्याज वगैरह फिर इसमें शामिल करते हैं। ये देखिए गाइस कढ़ी को ना इस तरह बॉइल आना शुरू हो गया। अब ये सारे टमाटर हरी मिर्चें लहसुन प्याज ये सारा कुछ अब शामिल कर देते हैं इसमें। और ये एक ना पोटैटो को हमने इस तरह चॉप कर लिया था ये भी इसमें शामिल करते हैं। तकरीबन ना 40 मिनट के लिए ना इसे हम बिल्कुल स्लो आंच पे ना पकने के लिए रख देते हैं। देखिए ना इस लेवल पे आके ना नमक शामिल करेंगे इसमें, और ये साबुत काली मिर्च कसूरी मेथी। कवर करके रख देते हैं। देखिए गाइस जब तक ना कढ़ी तैयार हो रही है तब तक हम पकौड़ों का सामान बना लेते हैं। सारी वेजिटेबल्स इसमें शामिल कर देते हैं। ये सारे पाउडर मसाले शामिल कर देते हैं इसमें। बेसन शामिल करते हैं।
अभी ना इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे, पहले इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। देखिए गाइस, कड़ी को ना पकते हुए इस तरह 40 मिनट हो गए हैं तकरीबन। अब ये धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देते हैं, और जो हमने पकौड़ों का मसाला तैयार किया है ना, पकौड़े फ्राई करके इसमें कड़ी में शामिल करते हैं। कड़ी ने अपना सारा यानी ऑयल वगैरह छोड़ दिए, इंशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टफुल बनी होगी। ये देखिए मसाले की ना अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब इसमें पानी शामिल करते हैं हल्का सा, क्योंकि वेजिटेबल्स में भी जो पानी था उसमें भी काफ़ी यानी कि ये बन चुका है। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें पकौड़े शामिल करते हैं। ये देखिए पकौड़े ना इस तरह से तैयार हो चुके हैं। अब साथ ही साथ ना इनको निकाल के इस तरह कढ़ी में शामिल करते जाएंगे। इसी तरह बाकी के भी फ्राई करते हैं। देखिए गाइस, पैन में ना हमने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल के ना गर्म होने के लिए रख दिए। अब इसका तड़का तैयार करेंगे। ये जो तेज़पात, ये सुर्ख मिर्च और ये ज़ीरा था ना, ये सब इसमें शामिल कर देते हैं, और 30 सेकंड के लिए ना इसे सिर्फ सोटे करेंगे। ये देखिए ना, कड़ी को हमने इस तरह बाउल में निकाल लिया। ये जो तड़का बनाया था ये इस पर डालते हैं। हरा धनिया गार्निश करते हैं ऊपर। ये थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, हल्के हल्के पकौड़े फिर ऊपर गार्निश कर देते हैं। चलिए गाइज, आज की हमारी कढ़ी की जो रेसिपी थी वो तैयार है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान।